एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सबका मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को इतनी जल्दी इतना प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले मंथ राजगीर गई थी, आप सबको मैंने बताया ही होगा, ब्लॉग मैंने डाला है। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी मैंने। तो मैं सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी रिवील करूँ। और वहाँ वह एक बहुत ही फेमस जगह है, आप सबको मालूम ही होगा, बिहार में वो एक फेमस ही है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है आजकल, सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ पर। तो हमने भी सोचा कि हम भी चलते हैं, तो हम सभी गए थे और हमारी एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद हम गए थे, एंजॉय किया हमने बहुत ज़्यादा। और मैंने उसका ब्लॉग अपलोड करा, आप लोग उसको देखना और बताना कैसा लगा। तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लाई हूँ, तो फर्स्ट ये है जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। मतलब मैंने सोचा ना कि यार ट्रेन हो या बस हो या किसी भी ट्रैवलिंग एरिया में ना, मैं बात करने या सॉन्ग सुनने में बहुत दिक्कत होती है, और जब आप अकेले होते हो मतलब कुछ रिलैक्स चाहिए होता है तो आप सॉन्ग सुनते हो, मैं तो बहुत सुनती हूँ। तो मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि हाँ भाई, अकेले जा रहे हो या किसी के साथ भी जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सॉन्ग सुन सको अच्छे से, किसी से बात भी कर सको, तो इसके लिए मैंने इसको लिया है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे को सबसे मस्त प्रोडक्ट लगा है अभी तक से, तो ये रहा, मैंने इसको यूज़ भी करा था, तो मैंने इसको आप लोगों को दिखाने के लिए पैक भी कर दिया कि हाँ। तो मैंने इसको यूज़ करा, मेरे को बहुत ही इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। और सेकेंड है ये गिफ्ट बॉक्स, जो कि वहाँ पर बहुत ही बहुत सारे लोगों ने खरीदा, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी खरीद लूँ यार, मतलब बहुत क्यूट लग रहे हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सेकेंड देखो, आप लोग इसको किसी को दे भी सकते हो यार, बहुत क्यूट लगा मेरे को और मैंने इसको ले लिया, क्योंकि घर को डेकोरेट करने में बहुत ही क्यूट लगेगा, आप इसको कहीं भी रख सकते हो, तो मैंने इसको ले लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीदी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने 2-3 डायरियाँ खरीदी हैं, वहाँ पर मिल रही थी। तो फर्स्ट है ये ब्लैक स्टोन वाइज, तो मैंने इसको ले लिया, और इसकी पेज की क्वालिटी ना वो MG बहुत ही क्यूट है, और मैं इसको कुछ भी लिख सकती हूँ, चाहे वो स्टडी के बारे में हो या किसी भी चीज़ को रिलेट करता, मैं इसको लिख सकती हूँ। सेकेंड है ये महादेव के डमरू वाला, और ये तो मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत ही क्यूट लगा मेरे को, और इसकी भी पेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने ये इयरिंग ली है जो आप लोग देख सकते हो, तो ये मेरे को इयरिंग बहुत ही क्यूट लगी, मतलब मेरे पास ऐसी इयरिंग थी बट एक्चुअली वो टूट गई थी, और मेरे को बहुत क्यूट लगती है, सूट पर आपको पहन सकते हो, कुर्ती पर वियर कर सकते हो, तो मैं इसको ले लिया। और ये भी है इयरिंग का पाउच है, आप लोग देख सकते हो, तो इसमें हर एक कलर की इयरिंग है, तो आप कोई भी ड्रेस पहनो कोई भी कलर का, तो आप लोग इसको इजी से वेयर कर सकते हो, तो मैंने इसको भी लिया है। और मैंने एक पेन होल्डर लिया है, मतलब देखो मेरे ना पेन की बहुत दिक्कत होती है, मतलब मेरे पास पेन है बट मैं क्या करती हूँ ना, जब ज़रूरत होती है तो पेन मिलता ही नहीं है, मतलब कहीं भी रख देती हूँ मैं। तो अभी मेरी स्टडी चलती है बहुत ज़्यादा, मेरे को आना जाना पढ़ना लिखना हो मुहिम जी, तो मेरे को बहुत जरूरत पड़ता है पेन का, और मेरे पेन ऐसे फेंके चले जाते हैं कहीं भी पड़े रहेंगे, तो मैंने इसको लिया कि मैं इस पर होल्ड कर पाऊँ, अपने पेन को ऑर्गेनाइज कर सकूँ, तो आपको करके दिखाते हूँ। ओके, एक सेकंड, तो ये रहा, आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, और पेन इधर से उधर होंगे भी नहीं, इजीली पड़े रहेंगे कहीं पर। और मैंने ये भी लिया है, तो ये भी एक पेन है, पेन बेस है बट इसमें बहुत सी क्यूट किटी बनी हुई है, आईना भी है और कंघी भी है, आप लोग बना सकते हो वाला, तो ये बेसिकली एक पेन ही है, बहुत क्यूट है, मैंने इसको लिया है। और मैंने एक ये लिया जो कि ये तो मेरे को सबसे पसंद आया, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वहाँ पर सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ यार, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो ये देखो, तो मेरे को ये काफ़ी क्यूट लगा, मतलब बचपन में मैं ये बहुत ज़्यादा मैंने किया है, और मेरे को बचपन की यादें आ गई, तो मैंने कहा ले लेते इसको भी। और ये रहा, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा दिया नहीं है बट मैंने जितना भी लिया मैं आपको लोग को शेयर कर दिया मैंने। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आए तो शेयर भी करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। तो थैंक यू, लव यू ऑल, मेरे ब्लॉग से ऐसे जुड़े रहिएगा हमेशा, मैं ब्लॉग लेकर आती रहूँगी, और मेरे राजगीर वाला ब्लॉग भी आप लोग देख लेना कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बताना मेरे को। लव यू ऑल, बाय, टाटा।